हाय दोस्तों, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू. और एक क्वेश्चन है जो हमेशा बहुत पॉपुलर रहा है मेरी चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में. मोस्टली ये क्वेश्चन मुझे आता ही है और मैं उसका जवाब दे दे के ऑनेस्टली एग्जॉस्ट हो गई. तो मैंने सोचा कि चलिए आज वीडियो बनाकर आप सबका एक जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाए. कन्फ्यूजन ही है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज में ऑलरेडी कह चुकी हूं कि जो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, एक सच्चाई है लाइफ की. और ऐसे ही चलता आया है कि जो इंटरव्यूज इंडिया में है वो सारी इंग्लिश में ही होती हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन 100% इंग्लिश. दैट इज द ट्रूथ एंड दैट इज द फैक्ट. अनटिल अनलेस के वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं तो वो उसमें आपसे कुछ एक क्वेश्चन कर सकते हैं. टेक एन एग्जाम्पल, हिंदी स्पीकर्स की जरूरत होती है एयरलाइंस को तो वो थोड़ा सा हिंदी में कुछ ना कुछ आपसे बुलवा के देखते हैं. अगर उनको मान लीजिए मलयालम या तमिल या कोई और लैंग्वेज इन पर्टिकुलर किसी एयरलाइन के लिए चाहिए तो वो उस चीज़ का आपसे टेस्ट लेते हैं या कुछ बुलवा के देखते हैं या पढ़ा के देखते हैं. तो ये चीज़ रहती है. लेकिन अदरवाइज जो इंटरव्यू है इंडिया में, चाहे आप किसी भी एयरलाइन के लिए दे रहे हो, तो आपको 100% इंग्लिश ही यूज करनी पड़ती है. दैट इज अ फैक्ट. आप उसमें हिंदी या कोई और अपनी पर्सनल लैंग्वेज को मिक्स करके नहीं बोल सकते. अभी इस चीज के दूसरे पहलू के ऊपर आते हैं. मान लीजिए, सी मैं रिक्रूटर्स के बिहाफ पे बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. मान लीजिए अगर आप उनमें से एक एम्प्लॉय हैं जो बहुत अच्छे हैं बाकी सब चीज़ों में, आपकी पर्सनालिटी पसोना बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है और आप एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हो कंपनी के लिए, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर है, मीन्स ग्रामर एरर्स हैं या कुछ भी छोटा मोटा इधर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर भी आपको हायर कर लेंगे ऑन अ सीरियस नोट. क्योंकि खाली लैंग्वेज को पॉलिश करना आसान है, वो आप जब वैसे एटमोसफियर में होते हैं तो आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको पॉलिश कर लेते हैं, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है या बहुत ज्यादा अगर गैप होगा तो उसको वो फिल नहीं कर सकते आपके लिए. मीन टू से, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब है तो आई वुड सजेस्ट पहले, सबसे पहले बाकी चीजें छोड़िए, आप अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क कीजिए. जिस तरह से भी आपको लगता है आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं आपको करना चाहिए. अपनी ग्रामर देखिए, बोलने का तरीका देखिए और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. न्यूज़पेपर पढ़ के, मैगजीन्स को लाउड पढ़ सकते हैं आप, टीवी देख सकते हैं आप, इंग्लिश मूवीज उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं. बहुत सारी सीडीज और बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिनको आप खरीद के आप घर पे सीख सकते हैं. लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ एक इंग्लिश कोर्सेज भी होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 3 महीने के, 6 महीने के, 1 महीने के, आप नहीं तो किसी क्रैश कोर्स में भी जा सकते हैं जिसमें आप अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं. नहीं तो सीखना है तो इंसान ने कहीं भी बैठ के सीखना है, घर पे बैठ के भी आप सीख सकते हैं. ये ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं. लेकिन इंटरव्यू डे के ऊपर आपको इंग्लिश ही यूज करनी पड़ती है. मैं इस चीज के थोड़ी सी खिलाफ हूं. मुझे लगता है कि बाकी देशों के कंपैरेटिवली हम अपनी लैंग्वेज को दबाए जा रहे हैं, तो हमारे भी देश में जो हमारी नेशनल करियर्स हैं, एयरलाइंस हैं, तो हमें हिंदी में ही या अपनी लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए. ये नहीं हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट. पर लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है जॉब्स तो हमें चाहिए तो हमें वही फॉलो करना है जो हमें वो कंपनीज या रिक्रूटमेंट जो लेते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वो लोग जो फॉलो करना हमें चाहते हैं कि हम उन चीजों को फॉलो करें. तो हाँ, कीजिए प्लीज. इंग्लिश बोलना जरूरी है इंटरव्यू डे पे 100%. चाहे आप कैसी भी बोले, प्लीज अपनी जो इंटरव्यू है उसको इंग्लिश में ही दीजिए. उसमें आप हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज को मिक्स मत कीजिए. फोकस ऑन मोर ऑन योर पर्सनैलिटी एंड जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, देन जस्ट ऑन योर लैंग्वेज ऑल्सो. सिर्फ इस चीज से सोच के आप डर के जाएंगे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो जो आपकी बाकी भी क्वालिटीज हैं वो भी दब जाएंगी और आप उनको दिखा नहीं पाएंगे ढंग से. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी जो थॉट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू हैव अ कमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन राइट अ कमेंट टू मी एंड वेन एवर आई हैव अ चांस आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जितने भी इंटरव्यूज होती हैं इंग्लिश ही यूज करनी है, उसमें लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है. एंड कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू डे पे जाने से पहले आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो, चाहे किसी तरह से भी आप उसको अच्छा कीजिए. सो टेक केयर टिल देन. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट. टेक केयर, बाय.